तेरी खूबसूरती के जितने चर्चे सुने थे उससे भी कहीं ज्यादा तेरी बदकारी मशहूर हो गई है। अपने उस नौकर यार के साथ तूने क्या क्या गुल खिलाए हैं सब सुन लिया था मैंने लोगों से, मगर फिर भी तेरी काली करतूतों को चांद में लगा दाग समझकर मैंने ये जहर का घूंट भर लिया। पर अब तेरी इस बेहयाई से तो यूं लगता है जैसे कि मैं कोई कंजरी ब्याह लाया हूं। कंजरी हूं तो नहीं, तुम बना भले ही दो, मर्द हो, औरत की तुम्हारे सामने क्या बिजात। हिम्मत करो, लूटो पराई अमानत को और बना दो मुझे कंजरी। ओफ, ये बकवास बंद कर। ये तकरीर तू अपने दोगले माँ बाप को सुनाती, उस कमीने काजे के आगे इसका रोना रोती। मेरा इसमें क्या कसूर है? मैंने कोई गुनाह नहीं किया। अगर किसी से इश्क किया तो तूने, मुझसे तेरा रिश्ता जोड़ा तो तेरे माँ बाप ने, निकाह पढ़ा तो काजी ने, लिखा पढ़ी की तो वकील और गवाहों ने, जबरदस्ती की तो वो भी तेरे अपने सगों ने। मैंने कोई चाल नहीं चली, मैंने किसी का हक नहीं लूटा, तो मेरे सब के लिए कसूरवार मैं ही क्यों? तुमने सब कुछ जानते हुए भी मुझसे निकाह करना चाहा। अगर तुम ही इनकार कर देते तो शायद ये नौबत ही ना आती। तुमने अपना तो सोच लिया मगर हमारा नहीं सोचा। देखो, हमारा इश्क रबी फरमान है, हमें जुदा करके रब की रजा मत तोड़ो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरे रांझे को सौंप दो। कैसे सौंप दूं? सारी बिरादरी में अपनी नाक कटवा दूं, अपने खानदान की मिट्टी पलीत कर दूं? वही रिश्तेदार, यार दोस्त, बहन भाई जिन्होंने मेरी शादी में भंगड़े डाले थे, मेरी मर्दानगी पर शक करेंगे, सारा गांव मेरा मजाक उड़ाएगा, मुझ पर थू थू करेगा। नहीं 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 नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता, भूल जाओ उसे, इसे भी उसी रब की रजा मान। इस तरह से जिंदा रहने का फैसला एक समझौता होगा, तुमसे शादी करने का मेरा फैसला भी एक समझौता ही था, और अगर जरूरत पड़ी तो शायद मैं कोई और समझौता भी कर लूं, मगर खावन तुम्हें मुझे ही मानना पड़ेगा। मेरी बदनसीबी यह है कि तुम दोनों की मोहब्बत दो तरफा रही और मेरी चाहत एक तरफा थी, वरना किसी और की जूठन बटोरने का हौसला मैं कभी ना समेट पाता। भाभी, नहीं भाभी, भाभी क्या हुआ? आखिर सब ठीक तो है ना? भाभी, मेरा भाई पसंद नहीं आया क्या? मुझे तो ये जहान ही रास नहीं आया, मेरे लिए तो अब मातम ही मातम है। तू जा के खुशी के गीत गा। बहुत गाली है खुशी के गीत। तुम बताओ बात क्या है, सैदा कुछ उल्टा सीधा बोला क्या? जब मेरे नसीब ने ही इतना उल्टा रुख ले लिया तो किसी के उल्टा सीधा बोलने या ना बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। गलत सही सब कुछ अब एक सा लगने लगा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दिल किसी और को दे आई हो और डोली तुम्हारी कोई और उठा लाया है? देखो भाभी, कई बार घूप अंधेरे में टिमटिमाता हुआ एक छोटा सा जुगनू भी सही रास्ता दिखा जाता है। अरे सैती कहाँ चली गई? कहीं अपने मुराद के साथ तो नहीं भाग गई? ये मुराद कौन है? मुराद कौन? मुराद अपना मुराद छुपाती हो और मेरे के सुराग ढूंढ रही हो। भाभी, क्या तुम भी मेरी तरह किसी के इश्क में? नहीं भाभी, नहीं, हौसला रख, रब जाने तेरी ना उम्मीदियों के अंधेरे में शायद मैं ही वो जुगनू बन के तुम्हें कोई रास्ता दिखा दूं। बस तू रब से अपने उसकी खैर मांग। मेरी तो हर सांस उसकी खैर मांगने और राह देखने के लिए अटकी है। रब उसका रहबर बने।